स्वागत आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस पर, मैं हूं ताबिश रजा। और पहले इस वक्त की हेडलाइंस पे एक नजर। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बड़ी हार, सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला गलत, नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे आलोक वर्मा। गरीब स्वर्णों को आरक्षण पर लोकसभा में थोड़ी देर में आएगा बिल, कांग्रेस और बीएसपी का भी समर्थन। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ असम में कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन, लोकसभा में आज पेश होगा बिल। और ट्रेड यूनियनों का आज से दो दिन तक भारत बंद, सुबह से ही बंद का दिखने लगा है असर, बैंकों में भी हड़ताल। और सबसे पहले खबर हम लोकसभा से बता दें, थोड़ी देर में ही सरकार गरीब स्वर्णों को लेकर 10% आरक्षण का विधेयक पेश करेगी। सरकार कल कैबिनेट में पास किए गए इस प्रस्ताव को लोकसभा में पेश करेगी। मोदी कैबिनेट के इस फैसले से राजनीतिक माहौल एकदम ही बदल सा गया है। अब देखना होगा कि संसद में अगर बीजेपी संविधान संशोधन लाती है तो उस दौरान दूसरे दलों का क्या रुख होगा। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को संसद की कार्रवाई में शामिल रहने के निर्देश दिए हैं। हम सरकार का साथ देंगे और फिर सभी पार्टियों का समर्थन जुटाकर इस बिल को पास कराया जाए, नहीं तो कोर्ट से रोक लग जाएगी। 50% की सीमा अगर पार हुई तो न्यायालय से रोक लगेगी और न्यायालय से रोक लगने के बाद ये मात्र एक चुनावी जुमला साबित होगा। ये सवर्ण जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के साथ एक धोखा साबित होगा और इसका एक गलत संदेश जाएगा। अग्रणीय जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको उस वर्णा या जात के आधार पर देना गलत होगा, परंतु उनमें जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए रिजर्वेशन रखना ये तो स्वागतपूर्ण है। कि 5 वर्ष बाद अचानक माननीय मोदी जी और बीजेपी सरकार को 10% आरक्षण की याद आई, आज चुनावी जुमला, चुनावी गिमिक के तौर पे ये करने का अभिप्राय है कि वे समझते हैं कि देश के सब लोग घास खाते हैं, कि यह असंवैधानिक है, इसलिए इसमें संविधान संशोधन चाहिए, जिसके लिए उनके पास न तो समय है और न बहुमत है। ये सब जानते हुए सिर्फ एक गिमिक के तौर पे, एक जुमले के तौर पे, एक बहकाने बहलाने और बरगलाने के तौर पे ये करना, मैं समझता हूँ भर्त्सना योग्य है और सब लोगों को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया है। और सीधे रुक करेंगे विनीत दीक्षित, इस वक्त हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, जो सवर्ण आरक्षण को लेकर सरकार एक नई चाल चल रही है, अब इसमें कहा जा रहा है कि बिल पास कराया जाएगा, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए जाएंगे, ये कार्रवाई कब तक शुरू होगी? देखिए, कुछ सरकार की नियत क्या है इसके बारे में अभी कुछ खुलासा हुआ नहीं है, क्योंकि सब अभी बड़ा धूमिल सा वातावरण है विद रिस्पेक्ट टू पासिंग ऑफ दिस 10% रिजर्वेशन बिल, प्रपोज बिल। कल जब कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके बाद प्रेस में ये प्लांट किया गया कि ये बिल आ रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ क्षण पहले तक भी ये बिल लिस्ट नहीं हुआ है, एजेंडे पे आया नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि ये 2 बजे लोकसभा में पेश होगा और जब पेश होगा तो उसी के बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी एक दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है। ये मैं आपको जरूर बता दूंगी, आज जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई वेंकैया नायडू के कमरे में राज्यसभा को एक दिन बढ़ाने की, तो उसका विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि किस बेसिस पे बढ़ा रहे हैं, अभी तक बिल हवा में ही है, किसी को पता ही नहीं कि उसका रूप क्या है, प्रारूप क्या है, स्वरूप क्या है, और टिल नाउ कहते हैं कि भाई आज आ जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जिसमें लोकसभा में जो मेजोरिटी है वो खैर एनडीए के पास है, और जो मेजोरिटी मार्क होता है 272 एक आंकड़ा है कि भाई उनको 204 मतों का समर्थन चाहिए, वो शायद मिल सकता है। बट द लार्जर पिक्चर इज, क्या सरकार किसी उहापोह में है विनीत जी? चूंकि सरकार के लोग ये कह रहे थे कि 56 इंच का सीना, 56 इंच ऐसा फैसला लिया गया, तमाम मामले को ठंडे बस्ते में डालते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया, और कहा जा रहा चुनाव के मद्देनजर इस फैसले से सरकार को बहुत फायदा होगा, तो क्यों नहीं अब तक लिस्टिंग कराई गई इसको? देखिए, करीब
पांच साल होने को आ रहा है सरकार का, इस लोकसभा 16वीं लोकसभा जो है, जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो लोकसभा है उसका लास्ट डे है विधायी कार्य का, लोकसभा में आज सन्निधि अध्ययन हो जाएगी। जितने भी विकास के कार्यों की दुहाई देते गए और जितने भी किए वो कहीं ना कहीं उस पर इन द सेंस की उस पर ज्यादा उनको प्रोग्रेस नहीं मिली, करप्शन के चार्जेस बढ़ गए और एक मीडिया स्पेस कैप्चर करने के लिए, क्योंकि देखिए पूरे सत्र में राफेल का मुद्दा छाया रहा और सरकार की पूरी तरह कोशिश रही कि और जो 24 घंटे के अंदर कोशिश है कि राफेल का मुद्दा, करप्शन का मुद्दे को हटकर मीडिया या देश के सामने कोई ऐसा एक नया शब्द का छोड़ दिया जाए, एक ऐसा बड़ी चीज कर दी जाए जिस पे सारा देश उसी पे बात करता रहे, जाति के आधार पे जो डिविजन है उसको अब क्लास के आधार पे डिविजन करने की बात कही जा रही है। अगर ये बिल ठीक है, विनीत जी जरा एक चीज समझाइए, ये कल से जब से ये एक तरीके से सामने आया है तब से ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक तरीके से जुमला है, शोशा है या फिर हवा हवाई है, क्या ये तर्कसंगत है जब आप 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते? दूसरा कि आपके पास वैसे जहां रिजर्वेशन आप देते हैं, चाहे ओबीसी आयोग हो, एससी एसटी आयोग, ये सब है, लेकिन सामान्य वर्ग में स्वर्णों का लेकर कोई आयोग नहीं, तो आप ये आंकड़े कैसे निकालेंगे, कैसे आप ये साबित करेंगे गरीब लोगों की क्या तादाद है इस देश में और कैसे उन तक ये राहत पहुँचेगी या रिजर्वेशन देंगे? कोई आंकड़ा नहीं है, कोई सेंसिस नहीं है, यही आवाज सब जगह से आ रही है कि जब आपके पास डेटा नहीं है, जब आपके पास स्वर्णों का जो एक डेफिनेशन है कौन स्वर्ण है कौन नहीं, 8 लाख का अगर कैटेगरी नहीं बना दी गई है कि जिसके आय साल में 8 लाख से कम है वही है और उसके ऊपर सब, तो वो जो इतना जबरदस्त शार्प डिविजन होगा ये तो एक क्लास वॉर की तरह पूरे देश को झोंका जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें इनको क्या सफलता मिलेगी, क्योंकि जो सांसद सीनियर मोस्ट वकील हैं, जो कानून जानते हैं, उन्होंने हम लोगों को ब्रीफिंग जब दी है 2 दिन से, तो उन्होंने कहा कि ये विथस्टैंड नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट में। एक बार ये प्रयास हो चुका है नरसिम्हा राव की सरकार के जमाने में, वो वहां पे रिजेक्ट हो चुका है, ये नहीं कि पहली बार लोकसभा से पास भी हो जाता है ये बिल तो राज्यसभा में जाके फंसेगा और वहां से फिर जुडिशियली स्क्रूटनी में भी इसमें प्रॉब्लम होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी तक कार्यवाही में इसको शामिल नहीं किया गया है संसद के, कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद उम्मीद है कि इस पर बहस हो और इस बिल को लेकर सरकार अपना एजेंडा तय करे या फिर उस पर बहस कराए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने CBI डायरेक्टर को बहाल कर दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि वहाँ कोई वो नीतिगत फैसला नहीं लेंगे लेकिन पद पर रहेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि ताज जरूर सर पर है लेकिन ताकत नहीं है, कोई नीतिगत फैसला तब तक नहीं ले सकेंगे जब तक उनके मामले में कमेटी फैसला नहीं लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 23 अक्टूबर 2018 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें केंद्र सरकार ने CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आलोक वर्मा कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे और उनके मामले में कमेटी फैसला लेगी। कमेटी नए सिरे से आलोक वर्मा के केस को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस SK कौल की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि PM, चीफ जस्टिस और विरोधी दल के नेता वाली हाई पावर कमेटी आलोक वर्मा के भविष्य का फैसला करेगी, जब तक कमेटी फैसला नहीं लेती तब तक CBI डायरेक्टर कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। तो छुट्टी पर भेजने का सरकार का फैसला गलत बताया गया है और उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच वो कुर्सी पर रहेंगे, कागजी तौर पर निदेशक रहेंगे लेकिन उनके पास कोई ताकत नहीं रहेगी, नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। जाँच उच्च स्तरीय होगी और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इसमें जो आरोप लग रहे हैं CBI डायरेक्टर और राकेश अस्थाना के बीच में उसमें कौन सही है और कौन गलत है। देखिए, जो आलोक वर्मा साहब 23 अक्टूबर 2018 को जो CVC ने उनको पद से हटाया था, उस ऑर्डर को CVC के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कमेटी होती है, जो सिलेक्शन कमेटी है कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस, उस कमेटी को ये अधिकार था कोई भी किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने का CBI डायरेक्टर के संबंध में, और जो डिसीजन CVC ने लिया वो गलत लिया। वर्मा को CBI डायरेक्टर की तरह रिस्टोर कर दिया है, लेकिन साथ में कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि सरकार इस मामले को हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होते हैं,
उसके सामने एक हफ्ते में लाए और जब तक वो हाई पावर्ड कमेटी इस पर निर्णय ना ले तब तक श्री आलोक वर्मा कोई मेजर पॉलिसी का फैसला नहीं लेंगे। ईडी को, सीबीआई को, यूनिवर्सिटीज को और उनके पास जो भी विजिलेंस को, इस संस्थाओं का जो वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपने ओपोनेंट को, अपने विरोधियों के खिलाफ जो अस्त्र या शस्त्र उन्हों उपयोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। प्रजाप्रभुत्व में आप जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है अच्छी बात है, क्योंकि अंत में जो स्वायत्तता है इन संस्थाओं की, इसको बरकरार रखना ये देश के हित में है। जो भी इनके साथ जैसे आरबीआई है, सीबीआई है, पिछले दिनों में जो भी कुछ घटनाएं घटी है, इससे लोगों का विश्वास इन संस्थाओं में कम हुआ है। That means to say the CBI they wanted to make a, you know, cage parrot. Now it is shown that you can't do that. We cannot interfere with the independence of CBI, RBI and many other institutions. बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा तमाचा है सरकार की कार्यशैली पे, सरकार की जो मनसा वाचा करना था, आज इस बात की तस्दीक हुई जो उस व्यक्ति के हलफनामे में भी था। अगर मैं हम अपने मुकदमे से देखें, लालू जी उनके पूरे परिवार को IRCTC में पीएमओ का एक अधिकारी, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक भाजपा का तत्कालीन नेता बिहार का जो एक महत्वपूर्ण ओहदे पे आज है, सब मिलकर के एक केस खोज रहे थे IRCTC में। आज सब बात की तस्दीक हुई है, भाजपा ने इन एजेंसीज को अपनी राजनीतिक गठबंधन सहयोगी दल की तरह इस्तेमाल किया। तो कह सकते हैं कि सरकार को बड़ा झटका, सरकार ने जो फैसला आलोक वर्मा के मामले में लिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसे गलत साबित करते हुए फिर से आलोक वर्मा को उनके पद पर बैठा दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें भी साथ साथ जोड़ दी है कि आप जांच जब तक नहीं होती तब तक आप कोई नीतिगत फैसले नहीं लेंगे। ऐसे में ये देखना होगा कि वो नीतिगत फैसले क्या क्या हैं। हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के कार्यकारिणी संपादक सत्येंद्र रंजन जी हैं, हमारे साथ मनीष छिब्बर जी हैं, एडिटर हैं द प्रिंट के, और साथ ही हमारे संवाददाता संजय बोरा भी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष छिब्बर जी, कहा जा रहा है नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, वो नीतिगत फैसले क्या क्या होते हैं, क्या होता है डिसीजन जिसमें उन्हें रोका गया है? देखिए, पॉलिसी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो एक ग्रे एरिया है। मुझे नहीं लगता कि रूटीन ट्रांसफर्स पॉलिसी डिसीजन में आता है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या क्या है। वैसे भी आप ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि आलोक वर्मा साहब का जो टेन्योर है वो 2 फरवरी को ख़त्म हो रहा है, तो वैसे भी आउटगोइंग अभी लेमडक CBI चीफ हैं, तो कोई बहुत बड़े पॉलिसी डिसीजन उन्होंने लेने भी नहीं थे। और दूसरा ये है कि अब जो नए केसेस हैं या जो ऑनगोइंग केसेस हैं वो कैसे चलने चाहिए, उनको क्या दिशा होनी चाहिए, वो जनरली जो CBI डायरेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा डे टू डे उसमें इंटरफेरेंस होती नहीं है, हर विंग अपना अपना काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मुझे लगता है रास्ता दिया है ताकि ये जो हाई लेवल कमेटी है प्रधानमंत्री की, ये जल्द से जल्द उस पर फैसला ले कि क्या इनका पद पे बने रहना ठीक है या नहीं है, जो कि सबसे पहला होना चाहिए था जो मोदी सरकार ने नहीं किया। तो एक हफ्ते के अंदर सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसमें खड़गे साहब, अभी हमने उनका सुना, वो भी उस कमेटी में रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, तो जो क्लैरिटी है वो एक तुरंत आ जाएगी एक हफ्ते के अंदर। सदन जी, क्या जिसका जिक्र कर रहे हैं मनीष जी कि कोई नए केस को आप इन्वॉल्व नहीं होंगे या फिर जो केस को आप देख रहे थे उसको आप नहीं छुएंगे, क्या इसी को माने नीतिगत फैसले? नहीं, 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 नहीं। मैं उसमें एक क्लैरिफाई कर दूं, मैंने ये नहीं कहा, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो केसेस अभी CBI देख रही है या नए केसेस आएंगे उन सब पे ओवरसी करना इनका काम है, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो इसलिए बिठाया क्यों है, तो वो सब पॉलिसी डिसीजन में नहीं आता है। ठीक है, पॉलिसी डिसीजन जो होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग होगी या नहीं होगी वो एक ग्रे एरिया है मेरे ख्याल से, तो उनको वो उसमें भी कोर्ट ने रोका नहीं है, लेकिन वो एक ग्रे एरिया, और वैसे भी अभी वो लास्ट अपना टेन्योर खत्म करने वाले हैं, तो एक हफ्ते के बाद जो होगा, और वैसे भी 2 फरवरी से नए CBI चीफ का अपॉइंटमेंट आ जाएगा तो वो करेंगे। आप किस तरह देख रहे हैं इसको? ये जो पॉलिसी डिसीजन जो शब्द का जिसका इस्तेमाल किया गया है, ये बात अभी हम लोगों को
ठीक से समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो पॉलिसी डिसीजन क्या लेता है। सीबीआई एक एजेंसी है, सरकार की एजेंसी है, उसे एक स्वायत्त बनाने की कोशिश की गई है पिछले 20 सालों में, लेकिन जो पॉलिसी तो गवर्नमेंट के डोमेन में होता है। जहाँ तक अगर हम लोग बस सिर्फ उस दिन तक पीछे जाएं जब ये मिडनाइट कू करके इनको आलोक वर्मा को हटाया गया था, तो उसके बाद नागेश्वर राव को इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया, और उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तब ये कहा था कि नागेश्वर राव कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन नागेश्वर राव ने बड़े जो ऊंचे पदों पे सीबीआई के लोग हैं उनके दौर में उनके तबादले किए गए, ऐसे लोगों को भी तबादले किए गए जो काफ़ी महत्वपूर्ण या जो सेंसिटिव जो केसेस हैं जिनकी देखरेख में हो रहे थे, वैसे अधिकारियों का भी तबादला हुआ। अभी दो तीन दिनों से यह केस चर्चित है कि यूपी का जो माइनिंग स्कैम है उसमें केस दर्ज किया गया है और वो अखिलेश यादव से उसमें पूछताछ हो सकती है। यानी एक पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट इशू में भी एक ऐसे इंटरिम डायरेक्टर के समय में कार्रवाई आगे बढ़ी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी डिसीजन लेने से रोक दिया था। तो ये अगर नागेश्वर राव ये सारे काम कर रहे थे तो आलोक वर्मा जो कि एक फुल फ्लेजेड डायरेक्टर हैं, वो इंटरिम डायरेक्टर भी नहीं, वो पूरी तरह से डायरेक्टर हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा सीबीआई का डायरेक्टर क्या डिसीजन लेता है जो जिसे पॉलिसी डोमेन में माना जाए, ये कम से कम मेरे सामने साफ नहीं है। और ऐसे में अब उनके समय भी नहीं बिल्कुल, अब कहिए कि जैसा बता रहे कि 2 फरवरी को उनका रिटायरमेंट भी है और एक हफ्ते के अंदर पूरी जांच होनी है, तो अगर ये चीज़ अगर दूध का दूध पानी का पानी हो भी जाए और आलोक वर्मा अगर साफ सुथरे साबित भी हुए तो फिर उनके हाथ क्या मिला, सरकार के हाथ क्या मिला? देखिए अब ये तो अभी कुछ विशेषज्ञों ने अपने ट्विटर संदेश में ये बात कहा भी है कि अगर आलोक वर्मा जो हैं वो डायरेक्टर हो गए और वो कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते हैं तो उनका स्टेटस तो वही है जो आज के फैसले के पहले था, तो उससे कोई व्यवहार में चीज़ नहीं बदलती है सीबीआई के भीतर। इसके बावजूद अगर एक जो मोरल नज़रिए से देखें, नैतिक दृष्टिकोण से देखें, तो सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका या जैसा कि मनोज झा कह रहे थे कि तमाचा है, क्योंकि सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को बिना उस कमेटी में गए जिसने उन्हें नियुक्त किया था उन्हें हटाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमने हटाया नहीं है इनको, हमने सिर्फ जबरन छुट्टी पे भेजा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे का जिक्र किया है अपने फैसले में, ये कहा है कि अगर कोई किसी भी अधिकारी का ऐसा तबादला किया जाता है जिससे उसकी हैसियत पर व्यवहारिक फर्क पड़ता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट मतलब उस तबादले को एक तरह से हटाया जाना ही माना जाएगा, जो कि ये बात कही जाती है। ये तो एक जो तकनीकी आड़ ली थी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है कि ये कदम जो था अगर उसको स्पिरिट में देखें तो उन्हें हटाना था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिवर्स कर दिया है। तो सरकार के लिए पॉलिटिकल भी और लीगल नज़रिए से भी ये एक बड़ा झटका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सरकार को ये बात समझना होगा कि अब ऐसे मामले में वो फूक फूक का कदम भी रखे। मनीष शिपर साहब, आप सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक नज़ीर तो पेश कर ही दी और ये भी बता दिया कि आगे सरकार अपने मन से या कि अपनी मनमानी नहीं चला सकती। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, ईडी से भी जुड़े हुए, आय से अधिक संपत्ति के मामले में है, आय विभाग से जुड़े मामले, इसमें अब सरकार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होंगी, चूँकि वो तो अब एक तरह से फैसला लेकर यानी उनके लिए हार हो गई एक तरीके से। देखिए अभी तक क्या था कि जो सीबीआई या ईडी भी अब देखिए सरकार इसका उपयोग करती है इन एजेंसीज का अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको घेरने के लिए, उनको तंग करने के लिए, और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स नहीं है तो बाकी लोग भी जिनको नकेल कसनी होती है जो सरकार के मत में के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो मुझे लगता है ये एक जजमेंट जो इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के लिए जो इंडिपेंडेंस ऑफ सीबीआई है उसमें एक और पॉजिटिव स्टेप है, और गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो नहीं कर सकती है क्योंकि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो उसमें देखेगा। लेकिन कहाँ तक मोदी सरकार इस बात में विश्वास करेगी और कहाँ तक इसको इन प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करेगी वो अब देखने वाली बात है, क्योंकि अभी आपने देखा 3 दिन पहले
जो एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर हैं उन्होंने राकेश अस्थाना जो कि नंबर टू है जिनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी सीबीआई के तरफ से, उसके जो सीनियर ऑफिसर थे उनका तबादला कर दिया, बाद में उसको उन्होंने हटा दिया कहा कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन और ये सब मतलब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि ये जो सीबीआई आज का जो जजमेंट है कुछ सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन मोदी सरकार सवालों के घेरे में अभी भी पड़ी हुई है। ठीक है, संजय वोरा भी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये कहा जाता रहा है कि सरकार जो भी आई हो सत्ता में सीबीआई उसका तोता रहता है और एक न एक संरक्षण में सरकार उसके चलती है। अब तो ऐसा लग रहा है सीबीआई सुरक्षित भी नहीं है सरकार के अंदर। देखिए, सीबीआई का हमेशा से राजनीतिक दुरुपयोग होता आया है, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से और अभी ये जो हालात बने हैं ये 4-5 महीने में, ये अनप्रेसिडेंटेड है, अपूर्व है। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि एक ऐसी बड़ी संस्था जो कि देश में प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इस तरह से अपने जो झगड़े हैं वो पब्लिकली उसके सामने आएंगे। इसकी वजह जो है वो सिर्फ इसमें नहीं देखनी चाहिए आलोक वर्मा या अस्थाना में, बल्कि जिस तरीके से नियुक्तियां होती है। आज हम आलोक वर्मा पे बहस कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो नियुक्ति है सीबीआई डायरेक्टर की एक हाई पावर्ड कमेटी करती है, लेकिन जो जांच अधिकारी होते हैं नीचे के अधिकारी उनको तो सरकार नियुक्त करती है ना, वहाँ कोई हाई पावर कमेटी इन्वॉल्व नहीं है। और जब सरकार का मन करता है कि कोई जाँच अधिकारी उसके अनुरूप काम नहीं कर रहा है तो उसको उसके मूल कैडर में जो स्टेट कैडर में भेज दिया जाता है। हम जानते हैं कि ऐसे अधिकारी जो कई बड़े नेताओं के खिलाफ जांच कर रहे थे वो उन लोगों को आखिर में बीच में से जांच से हटा करके और उनके स्टेट कैडर में भेज दिया गया। तो वहाँ पर क्या होगा? हम केवल आलोक वर्मा की बात नहीं, आलोक वर्मा तो सीबीआई डायरेक्टर हैं इसलिए हम हाई पावर्ड कमेटी की वजह से मामला चला गया, उन अधिकारियों का क्या होगा जो असल में जाँच करते हैं? वहाँ पर नियुक्तियों के मामले में जो सरकार रवैया अपनाती है उसको भी तो देखना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं बार बार सत्यन जी, मैं जब भी इस खबर को देख रहा था तो मुझे कि राकेश अस्थाना को लेकर अब क्या, चूँकि राकेश अस्थाना भी अपनी याचिका लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट तो दलील ये दी गई कि आप लेट हो गए, बस छूट गई। ये पूरा मामला आलोक वर्मा और सरकार से जुड़ा हुआ, सीबीसी से जुड़ा हुआ था इसमें, लेकिन आरोप सीबीआई वर्सेस सीबीआई था, यानी कि आलोक वर्मा राकेश अस्थाना पर लगा रहे थे, राकेश अस्थाना आलोक वर्मा पर लगा रहे थे। अब राकेश अस्थाना की गुंजाइश कहाँ देखते हैं? ये राकेश अस्थाना के केस पर जहाँ तक मेरी जानकारी है दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है उनकी याचिका के ऊपर में जो उन्होंने दिया है, उस पर क्या फैसला आएगा ये तो अभी उसमें अभी चूँकि वो पूरा केस है तो उस पर अभी समय लगेगा। अब ये बात आपने जो सवाल उठाया कि उनकी क्या स्थिति बनेगी, अब यही तो आज से देखने की बात है। जब आलोक वर्मा डायरेक्टर के अपने दफ्तर में बैठेंगे तो वो वहाँ बैठकर क्या उन कार्रवाइयों को आगे बढ़ा सकते हैं जिसकी शुरुआत उन्होंने तब की थी जब उन्हें हटाया नहीं गया था। आपको याद होगा कि ये कार्रवाई शुरू होने के पहले जब आलोक वर्मा को मध्यरात्रि में हटाया गया तो उसके पहले उन्होंने राकेश अस्थाना के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी मोइन कुरैशी मामले को लेकर। ये वो सारा मामला ठहर गया क्योंकि इन्हें हटा दिया गया, एक इंटरिम डायरेक्टर आ गए, इंटरिम डायरेक्टर ने सीबीआई के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो अधिकारी थे उनमें फिर बदल कर दिया। तो आज अब जबकि आलोक वर्मा फिर से अपने कुर्सी पे बैठेंगे, क्या वो उन फैसलों को पलटेंगे? क्या वो जो कार्रवाई तब राकेश अस्थाना के खिलाफ करना चाहते थे अब उसे आगे बढ़ाएंगे? और क्या ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो पॉलिसी डिसीजन के दायरे में आएंगी जिससे उनको रोका गया है या ये नहीं आएंगी? ये सारी चीज़ों को लेकर मेरे ख्याल से कम मेरे सामने स्थिति साफ नहीं है। मनीष जी शायद इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकें। देखिए, राकेश अस्थाना अभी अपने पद पे नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई मत नहीं दिया है, उनका दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है जो चांद साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं यहाँ एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी आपने जिक्र भी किया कि जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनका क्या होगा। अब देखिए, जो जूनियर ऑफिसर्स जॉइंट डायरेक्टर एंड अबव जो सीबीआई में आते हैं उसमें सीवीसी का एक पैनल होता है जिसमें सीवीसी होते हैं, सीबीआई डायरेक्टर भी बैठते हैं। अब आप देखिए, ये जो सारा कुछ हुआ है, ये जो मोदी सरकार ने भी फैसला लिया था, उन्होंने दलील दी थी कि सीवीसी ने हमको कहा ये करने के लिए कि ये आप स्टेप लीजिए। अब ये अगर सरकार के मुँह पे जैसा झा साहब ने कहा तमाचा है,
तो सीवीसी के मुंह पे क्या है, क्योंकि सीवीसी ने कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। और अगर हम केज पैरेट की बात करते हैं तो आप देखिए सीबीआई से बड़ा केज पैरेट तो सीवीसी है। केवी चौधरी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या सोच के ये फैसला लिया। सीवीसी पे भी उंगली उठेंगे और क्या सीवीसी को ये राइट है कि वो जांच करे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम फौरन हाजिर होंगे।